बच्चों, आज हम गणित का पाठ 6 पढ़ेंगे जो कि है सांख्यिकी। बच्चों, आपने पेड़ तो देखा ही है, जैसे पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही गणित की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और उन्हीं में से एक है सांख्यिकी। तो बच्चों, गणित की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? बच्चों, गणित की शाखाओं में हमें अंकगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सांख्यिकी और ऐसी ही बहुत सी शाखाएं हमें पता है। तो उन्हीं में से एक शाखा जो सांख्यिकी है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब भी हम सांख्यिकी शब्द को सुनते हैं तो हमें एक शब्द बार बार सुनाई देता है। तो कौन सी है वो शब्द? वो शब्द है संख्या। आप बोलकर देखिए, सांख्यिकी, सांख्यिकी, संख्या। आपको सांख्यिकी शब्द बोलने में हमेशा संख्या शब्द सुनाई देता है, और सांख्यिकी में इन्हीं संख्याओं को हम आंकड़े या फिर प्रेक्षण भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जो आंकड़ों से संबंधित है, और इसमें आंकड़ों का विश्लेषण होता है। अब विश्लेषण मतलब क्या होता है बच्चों? विश्लेषण मतलब किसी भी शब्द को जब हम टुकड़े में बांटकर उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम विश्लेषण कहते हैं। और सांख्यिकी में किसका विश्लेषण होता है? आंकड़ों का। इस प्रक्रिया को करने के लिए बच्चों, हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे आंकड़ों का संग्रहण, जिसमें हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। दूसरा, आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में बच्चों, आंकड़ों को हम अलग अलग स्थान पर रखते हैं, और अंत में हम आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण करते हैं। अब बच्चों, हमें यह भी जानना जरूरी है कि किन किन आंकड़ों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत रख सकते हैं और किन किन आंकड़ों को हम सांख्यिकी के अंदर नहीं रखते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे कोई वाक्य है, हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। इस वाक्य में हमें संख्या दिख रही है, कौन सी संख्या? 10। मतलब ये आंकड़े हैं, पर इन आंकड़ों को हम सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तुलनात्मक विश्लेषण नहीं हो रहा है। अब बच्चों, जब आंकड़े किसी समूह के तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं, तब वह सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, भारत में 65% आबादी युवा है। तो बच्चों, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे मोहन ने रमेश से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। इस वाक्य में बच्चों, हमें 25 जो है वो आंकड़ा दिख रहा है, और इस वाक्य से हम तुलना भी कर सकते हैं कि मोहन ने रमेश से अधिक अंक पाए, और कितने अधिक अंक पाए? रमेश ने मोहन से कम अंक पाए हैं, और रमेश ने मोहन से कितने कम अंक पाए हैं? तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि तुलनात्मक विश्लेषण हो पा रहा है, और इसीलिए इसे हम सांख्यिकी के अंतर्गत रख सकते हैं। अब बच्चों, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, कोई भी नई चीज को जानते हैं, जैसे कि आज हम सांख्यिकी को जानेंगे, सीखेंगे, तो हमें उसकी उपयोगिता भी पता रहनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सांख्यिकी का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। व्यापार में, बैंक में, बीमा कंपनियों में, उद्योग में, रेलवे प्रशासन में, और ऐसे अनेक से क्षेत्र हैं जहाँ हमें सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, सांख्यिकी में आंकड़ों का विश्लेषण होता है, यह तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे, पर यह आंकड़ों का विश्लेषण होता कैसे है? इसके लिए कई विधियां हैं सांख्यिकी में। तो आइए जानते हैं उन विधियों के बारे में। तो इन विधियों में बच्चों, समांतर माध्य एक विधि है, दूसरी विधि है मध्यिका, और तीसरी विधि है बहुलक। तो आज हम सबसे पहली विधि, जो कि समांतर माध्य है, उसको जानेंगे। बच्चों, समांतर माध्य को हम औसत भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम एवरेज भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं समांतर माध्य हम किसे कहते हैं। बच्चों, ये शुरू कैसे हुआ, समांतर माध्य की जरूरत कैसे पड़ी, और इसका आकलन हम कैसे किए, इसको जानते हैं हम एक कहानी से।
बच्चों एक परिवार में दो भाई हैं और दोनों भाइयों का वजन जो है वो अलग अलग है। छोटे भाई का वजन 60 किलो है और बड़े भाई का वजन 80 किलो है। अब एक दिन उनके माता पिता को दोनों भाइयों का औसत वजन जानना था। अब इसके लिए वे क्या करते, उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने दोनों भाइयों के वजनों को जोड़ दिया और क्योंकि वे दो भाई थे इसलिए उसे दो से भाग कर दिया। तो छोटे भाई का वजन था 60 किलो और बड़े भाई का वजन था 80 किलो, तो 60 किलो में 80 किलो को जोड़ दिया तो कितना आया बच्चों, 140। और चूंकि वे दो भाई थे तो उसे दो से भाग कर दिया तो उत्तर कितना आया, 70 किलो। तो इस प्रकार उनके माता पिता ने दोनों भाइयों के औसत वजन को ज्ञात किया जो कि है 70 किलो। अब बच्चों इसके उत्तर से आप यह निष्कर्ष निकाल पाए होंगे कि जो उत्तर आया है औसत वजन 70 किलो, उसमें छोटे भाई का के वजन से वो ज्यादा है और बड़े भाई के वजन से वो कम है। तो आइए देखते हैं समांतर माध्य का सूत्र क्या है। समांतर माध्य का सूत्र है बच्चों प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब ही आंकड़े होते हैं बच्चों और उसी को हम संख्या से देखते हैं। अब बच्चों इसी से संबंधित एक प्रश्न करते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में बनाए गए रन क्रमशः 2, 4, 0, 2, 0, 4 है, तो उस खिलाड़ी का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको तो पता ही है कि क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है और उन 6 गेंदों में उस खिलाड़ी के द्वारा कितने कितने रन बनाए गए वो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। अब आपको उस खिलाड़ी का औसत स्कोर ज्ञात करना है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य के सूत्र से। तो यहाँ देखते हैं समांतर माध्य का सूत्र क्या है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग मतलब जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उन सभी को आपको जोड़ना है। तो क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं बच्चों, 2, 4, 0, 2, 0, 4, इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है और भाग देना है प्रेक्षणों की संख्या से। यहाँ पर कितनी संख्याएं आपको दिख रही है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको भाग किससे देना है, 6 से। तो बच्चों जब हम प्रेक्षणों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आया, 12, और 12 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 6 से। 12 को 6 से भाग देने पर हमें उत्तर मिलता है 2। तो इस प्रकार बच्चों खिलाड़ी का जो औसत स्तर है स्कोर है वो 2 रन है। तो इस प्रकार बच्चों आप किसी भी प्रश्न को समांतर माध्य के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब जो भी मैंने हम सबने पढ़ा है समांतर माध्य के बारे में, उसी से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ जिसमें एक प्रश्न दिया गया है। देखिए 15, 17, 20, 25, 23, इन आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों अगली कक्षा में हम मिलेंगे, आप अपना गृह कार्य करके रखिएगा। नमस्ते।